सागर लोकसभा में बीते दिन भाजपा से प्रत्याशी बने राज बहादुर सिंह को जैसे ही टिकट मिला, भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता सड़कों गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में टिकट की लेट नसीबी से बेचैनी थी। जैसे ही भाजपा ने राज बहादुर सिंह पर अपना भरोसा जताया, वैसे ही कार्यकर्ता उत्साह में आ गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी उत्साह के चलते तीन बत्ती पर जुलूस निकाल कर जमकर फटाके फोड़ दिए। आदर्श आचरण संहिता कहती है कि बिना परमिशन के आप जुलूस नहीं निकाल सकते, साथ ही फटाके नहीं फोड़ सकते। तस्वीरें और खबर चलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत आयोग से कर दी और राज बहादुर सिंह सहित 8 अन्य नेताओं पर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। बड़ी संख्या में रास्ते को जाम करते हुए, जनजीवन को प्रभावित करते हुए और बिना किसी सक्षम प्रशासनिक अनुमति के वहां पर आतिशबाजी, ढोल धमाके, नारेबाजी जैसा काम लगभग 2 घंटे तक किया, जिससे आम जनता को तो परेशानी हुई ही। आचरण और आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके साथ साथ केंद्रीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले में शिकायत भेजकर ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्यवाही करने की मांग की। इस पूरी घटना में एक खास बात ये भी रही कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम पुलिस बल की मौजूदगी में चला और पुलिस बल पूरा मूक दर्शक बनकर वहां खड़ी रही। चंद अधिनियम निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन करने में उनका साथ दिया है और ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाना चाहिए। सियासत में सब जायज है, लेकिन अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आयोग नियमों के आधार पर काम करेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक गलती की वजह से भाजपा प्रत्याशी पर मामला दर्ज हो गया। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।